So hey guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Kajal Chetty and welcome to K's Vlog. So ये बड़े को मेरा पहला पढ़ना वो छोटे के लिए ठीक है सर। So guys, अब हम जा रहे कसार देवी, क्योंकि मैंने कसार देवी के दर्शन नहीं किए थे, तो वहाँ जाते थे मैं निकल चाहे कसार देवी के लिए ले ले चार बला पाए गाइस। पानी के बताशे खाने और टिक्की खाने, she wants to eat टिक्की। आंटी का आज गोलगप्पे खाने का मन था, that's why guys। आंटी भी लाइक बना ब्लॉग। हमने खाई टिक्की, दी लोगों ने खाए पानी बताशे, हमने टिक्की। हमारी घर में फ्यूल हो चुका है एम्प्टी और यहाँ कोई पेट्रोल पंप या कोई दुकान नहीं है दूर दूर तक। What should we do now? हमारे स्कूटी में पेट्रोल हो चुका है पूरा खत्म, हम आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे दुकान में कुछ जुगाड़ हो सकता है, वरना फिर हमको पैदल आना पड़ेगा कसार देवी से। चलिए ये आगे कुछ ऐसे नज़ारे हैं, सिनेमेटिक शॉट्स देख लीजिए। चलिए ठीक है, बाय। अब हमने गाइस पेट्रोल भरा लिया, इमरजेंसी पेट्रोल लेके इस दुकान से। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा कसार देवी पर है टेम्पल। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यू कैन सी द ब्यूटीफुल मोड़ा हियर। सो गाइस, ऐसे स्टेयर्स वाला रास्ता यहाँ से पूरा। अरे कितने स्टेयर्स होंगे लगभग दिशा दी? बहुत सारे ऐसे रास्ता है गाइस। वहाँ पिछली बार का ब्लॉग वहाँ से था सामने गाइस। ये लोग चल नहीं पा रहे और हम लोग पहुँचने आ रहे हैं मंदिर पर, पूरा मंदिर। सो गाइस, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब हम पहुँचने वाले मंदिर बोला, और जोड़े में आने वाली उम्र में ये दोनों साथ एक दूसरे के जोड़े में आ रहे हैं बेस। आंटी चलो हम साथ नहीं, हम दोनों अकेले 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 होके इनका साथ बन आ जा, हम दोनों बहुत बस हम लोग पहुँचना। दिशा की शादी होने वाली है गाइस अगले साल। वैसे भी हाँ, नेक्स्ट मंदिर शादी की शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, आई मीन सॉरी। सारे पंडितों ने इनको आशीर्वाद दिया है। ये है कसार देवी टेम्पल। तू जा दिलाना मंदिर तक का। अच्छा जी, तुम आ गए थे ना शिव मंदिर। अच्छा गाइस, हम यहाँ से भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, हमारे कसार देवी से अच्छे से दर्शन हो गए थे। सेंट्रल एरिया सबसे पहले पड़ता है भैरव मंदिर। ऐसे आते भोले जी के दर्शन, अब यहाँ पे एक और शिवलिंग है। सो गाइज, हमारे सारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। नीचे का कसार देवी जी का मंदिर था, उससे ऊपर भोलेनाथ जी का, यहाँ पे भी शिवलिंग था, तो सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब मैं और मेरी बहन चल रहे हैं वापस, उन जगहों में बहुत मज़ा आता है। सो गाइज, हमारे दर्शन भोले बाबा वाले मंदिर से भी हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं नीचे और लोग वहाँ छोटी छोटी में बैठे हैं गाइज। निशा दी लोग भी नीचे बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, बस हम जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस। मेरे दगड़ियों, तुम्हें सारे अल्मोड़ा के सारे मंदिर के व्लॉग्स मिलेंगे, तो अपना प्यार बरसाए रखना और सारे व्लॉग देखना अच्छे से। सो गाइस, जो अल्मोड़ा के मतलब यहाँ का कसार देवी जहाँ पढ़ते हैं, वो मैग्नेटिक फील होता है, तो मतलब ये बहुत टॉप में है मंदिर, तो बहुत जाना माना, बहुत अच्छा मंदिर है। कसार देवी दर्शन लुक फूल कितने प्यारे खिले हैं। अब हम घर के लिए जा रहे हैं गाइस, हम आ चुके हैं वापस। तो
साथ हम पी रहे हैं लस्सी। मम्मी क्या कह रहे हैं आंटी? ने कहा जंगल को ही तो फेंक दी। फिर मम्मी क्या कह रही है? आंटी ने मुझे गाइस प्रसाद से आगे डोलमा रेस्टोरेंट में खाना है तो पर ये बंद है। सो गाइस अभी हम लोग रुके हिमालयन हॉबिट हाउस हिमालयन हॉबिट हाउस रुके गाइस। अभी हम लोग यहाँ कुछ खाते हैं फिर घर के लिए जाते हैं। यहाँ का मेन्यू। सो गाइस हम एसएन प्रीता बैठ आ चुके हैं और हमारे पीछे इसकी भी आ चुकी है। सो गाइस मुझे लग रहा है ब्लॉग मुझे जल्दी एंड करना पड़ेगा। सो गाइस आई गेस मुझे ब्लॉग जल्दी एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को में बैटरी नहीं है। सो देखते हैं जैसे जैसा। सो गाइस फ्राइड राइस आ चुके हैं पीछे से, चॉकलेट शेक भी आ चुका है, पनीर फ्राइड राइस भी आ चुका है, चिकन भी आ चुका है। गाइस अब खाते हैं फिर मिलते हैं। वेज मंचूरियन भी आ चुका है। कैसा लगा? कैसा लगा? तो गाइस मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी था सब कुछ। सो गाइस अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। नगर के समस्त सम्मानित पेयजल उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 तक के जल में दिए। तो गाइस बहुत मुश्किल से जाम खुला, हम घर पहुंच गए। गाइस हम घर पहुंच चुके। अंकल ने भयंकर तड़का लगा दिया। अंकल ने बनाया चिकन, चिकन ज्यादा था इसलिए दो में आप डिवाइड कर। पर लुक एट द साइज ऑफ द लेग पीस, आई मीन गाइस और बड़े क्या ही बोलूं मैं अब। और ये गर्दन है पीस, सारे पीसेस बहुत भयंकर भयंकर से लग रहे हैं बट जब बन जाएगा तो टेस्ट करते हैं, रिव्यू देते हैं। और अब और दिखाती हूँ इसमें मैंने बनाया है भुनी बुटवा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज भुनी बुटवा यू कैन गूगल इट। और ये आलू वालू है कचौरी के लिए। सो गाइस अभी बज रहे हैं 6:15 और अंजी मैं और दिशा दी निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? व्लॉग में बने रहिए देखने के लिए। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल, क्योंकि काम है मॉल में तो हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ अल्मोड़ा। एक्साइटेड गाइस? गाइस हम मॉल पे आए थे मेरी दगड़िया हो और यहाँ पे चल रहा है गाना बहुत अच्छा। तो अभी जहाँ में काम था वहाँ हो नहीं पाया था, हम शॉप 99 जा रहे पहुंच चुके हैं सुपर 99। ये सारे टैटूज इन्हें बना चुके हैं और कुछ हटा भी दिए। कैसे डालते हैं? टू लाइंस नीचे के स्टेज पे, नीचे से ऐसे वाले पे बनाएगी है। यहाँ पे बनाएगी आपके कहाँ? मेरे तो यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनाएगी? प्रिंटर निकाल दिया। बस गाइस इन दोनों का होने वाला है टैटू। वेट टिल द एंड। पहले इनका बन रहा है टैटू, इनमें इंक्स आएंगी। इससे क्या होता है? क्यों? इससे होता है कुछ। हाँ जी भैया, इसमें भी तुम्हें थोड़ा ग्लू ग्लू लगा दो। इतना गंदा निकला कभी तभी टैटू इतने अच्छे हो गए दी गए। आफ्टर केयर भी नहीं हो रही है।
का एडुकेटर है, फिर यहाँ पे हाथ में पेस्ट हो। नीचे तो फिर टेप लगाओगे, थोड़ा सा नीचे कर दो। ये दिशा दिखा हाथ बहुत गंदा था इसलिए क्लीन हो रहे। दिखाओ कि गाइस शादी का टैटू बनना स्टार्ट हो गया। पूछेंगे ना, मैं नहीं तो सीधे बोल दूँगा, ख्याल हो गया। पूछ दो, पूछ दो। इससे होता क्या है? साफ हो जाता एकदम। आ रही है अंजलि की, अपना हाथ दिखा दे पहले। अंजलि का हाथ देखो, इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना दे दूंगा आपको एक टैटू में, हाँ बना देंगे। ये सब एक्टिंग कर रही, मेरे व्लॉग्स में व्यूज आएगा करके। दर्द नहीं हो रहा? अगर तूने अब डाला ना व्लॉग पे, दर्द हुआ दिशा आपको भी? आपको भी आधी दर्द नहीं आ रही एक्टिंग करने? थोड़ा सा हुआ था। अच्छा ठीक है, समझ गए। वही सोच रहे थे कुछ पापा से डिटॉल से तो ट्राई कर दो। अरे वो तो ठीक है, ओके। हेलमेट तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, सारा काम हो गया जो होना था। क्या रिव्यूज दोगे आप? अच्छी की साइडर देखी आपने? मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छी लगी? अच्छा दादा जी भी तो अच्छी लगी। मैंने तो बनाया ही नहीं, मैंने अच्छा किया ना? हाँ देख रहा हूँ। खाना लगा दिया सबसे ज्यादा वाले यही है ना, दोनों रायता चिकन है। हाँ ये दोनों है क्या खाने वाले? ये दोनों है क्या खाने वाले? ज्यादा आंटी बना रही है आलू की कचौड़ियाँ, पर गाजर की तल भी है। नहीं कचौड़ियाँ मैंने बनाई है। ये आंटी बता दो कचौड़ी किस में बनाई? सच सच मैंने बनाई ना। ये काजल की बनाई हुई कचौड़ियाँ और ये अंकल ने बनाई हुई काय चिकन। ये केक कहाँ से आया? अरे सिद्धू चाचा का यहाँ बर्थडे था, इसको केक की पड़ी है। ये बच्चों को खिलाना हुआ।